साउथ दिल्ली के ओखला जामिया नगर में उस वक्त हंगामा मच गया जब बॉडी केयर अंडरगारमेंट्स कंपनी के एडवर्टाइजमेंट जामिया कॉलेज के बस स्टैंड पर लगाए गए। लोगों में भारी रोष और गुस्सा देखने को मिला, जिसके बाद तस्वीरों पर कई पोस्टर चिपका दिए गए और आगे की कार्यवाही। इस एडवर्टाइजमेंट के लिए सुरक्षा दे दी गई है दिल्ली पुलिस की, और वो अभी हमारे सामने लाके कुर्सियां डाली गई हैं और ये गाड़ी आके खड़ी हो गई है ताकि यहाँ पर कोई भी इसको कवर ना कर पाए। अब तो भाई यहाँ पर ओखला के बड़े जिम्मेदारों को ही साथ आना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ ये लोग ऐसे नहीं करने देंगे, जैसे हम लोग जैसे नौजवान आके दो कर दें उसको, ये दूसरा मतलब वो दे देंगे पंगे वाला इशू दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं आपका भाई खतीब तिहामी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया मेन कैंपस के बस स्टैंड पर। और आप ये देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का ये मेन स्टैंड है और इसके ऊपर किस तरह की बढ़ाना तस्वीरें लगी हुई हैं और ये बॉडी केयर का एड यहाँ पर हो रहा है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी लापरवाही है इसके अंदर कि जामिया यूनिवर्सिटी का मेन बस स्टैंड है और ये बिल्कुल मेन कैंपस का जो गेट है उसके सामने ये स्टैंड है। अंदर इंजीनियरिंग फैकल्टी है और यहाँ पर देखें पूरे स्टैंड के ऊपर ये बरहना तस्वीरें लगी हुई हैं। इससे हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा ये सोचें आप। ये कितनी बड़ी लापरवाही है जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की। ये जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एड इस स्टैंड पर लगवाया क्यों, हमारा ये सवाल है। और यहाँ पर हमारी बहनें आती हैं, ये बस स्टैंड है प्रॉपर, यहाँ पर हमारे छोटे भाई आते हैं और उन पे देखिए क्या असर पड़ेगा। कितनी बेहूदगी की बात है, कितनी बेशर्मी की बात है कि यहाँ पर पूरे स्टैंड पे ये बॉडी केयर का ऐड है। ये देखिए आप, मुझे दिखाते हुए भी शर्म आ रही है, मैं आपका भाई खतीब यहाँ भी मुझे दिखाते हुए भी शर्म आ रही है कि पूरे स्टैंड पर यहाँ से वहाँ तक परहना तस्वीरें लगी हुई हैं और कोई कहने सुनने वाला नहीं है। ये देखें आप, बच्चों की सोच पे क्या असर पड़ेगा, कितनी शर्म की और बेहूदगी की बात है कि हमारा मुस्लिम मुआशरा होने के बावजूद यहाँ पर मेन स्टैंड के ऊपर जामिया यूनिवर्सिटी के मेन स्टैंड के ऊपर ये बॉडी केयर का एड लगना कितनी बेशर्मी की बात है। भाई जामिया एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी अपील है कि इसको फौरन हटाया जाए, वरना तो इसको हम फाड़ के फेंकने वाले हैं और हम नहीं डरेंगे, हमारे ऊपर कोई भी केस लगे हम इसको पूरे स्टैंड पे जो ये ऐड लगे हुए सबको तोड़ देंगे। यहाँ पर इस तरह की चना में हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी बिल्कुल भी। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन कान खोल के मेरी बात सुन लें कि अगर आज घंटे भर के अंदर ये साफ नहीं हुआ तो हम इन तमाम एड्स को फाड़ के फेंक देंगे। ये हमारे यूथ को बर्बाद करने की साजिश की जा रही है बाकायदा, देखिए आप, और कोई सुनने वाला नहीं है। और ये स्टैंड पे एड पता नहीं कब से लगा हुआ, ये आज नहीं लगा एड इसको, मुझे लग रहा है कि कम से कम 2-4-5 दिन बीत गए हैं और ये स्टैंड पे जो ऐड लगाए ये देखो आप, ये तो स्टैंड पे ऐड देखिए आप, ये लगाने की जगह यार, ये लगाने की जगह है, तरीका यार ये। भाई ये कब से लगा हुआ है बताओ, मेरे पास अभी कॉल आएगी कुछ स्टूडेंट्स की के हतीब भाई जामिया बस स्टैंड पर, जामिया बस स्टैंड पर अभी मेरे पास कॉल आई है और मैं आया नहीं। भाई साहब आप कैसे फंसोगे, हम तो स्टूडेंट हैं, हमने ये आप कैसे फंस जाओगे, फंसेंगे वो लोग, नहीं हम तो चलिए फंसेंगे वो लोग, बाकायदा इसकी रिटर्न कंप्लेंट दी जाएगी। बच्चे भी तो आते हैं ना, हम तो 18 तक, बाकी तो स्कूल के बच्चे भी ना छोटे छोटे जाते हैं। ये दिखाओ, ये वाला जामिया कॉलेज का, ये दिखाओ वासिम भाई, ये वाला ये दिखाएं, पूरा ऊपर दिखाओ ऊपर।
उसको बिगाड़ने और जामिया एडमिनिस्ट्रेशन सो रहा है। मजे की बात यह है जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को खबर भी नहीं हुई यहाँ पर। भाई आज रात में अगर ये ऐड नहीं हटे ना तो मैं कसम से बता रहा हूँ अपनी टीम के साथ आऊँगा यहाँ पूरे ऐड फाड़ के फेंक दूंगा। उसके बाद मेरे ऊपर चाहे कोई केस लग जाए और इसकी मैं बाकायदा भी रिटर्न में कंप्लेंट देने वाला हूँ। भाई साहब आपको खबर नहीं हुई इसमें? नहीं भाई। हैं? आपको खबर नहीं हुई ये ऐड अब के तो लगे हुए नहीं है, आज तो लगाया नहीं किसी ने इसको, तो मुझे लग रहा है ये हफ्ता भर बीत गया। ये लेटेस्ट नहीं लगे हुए भाई साहब? सर लेटेस्ट भी लगे हुए तो अभी सोचिए ना। ये लेटेस्ट नहीं लगे और लगे कैसे हैं? अगर लेटेस्ट भी लगे तो आपने कैसे लगवाए बताइए आप मुझे। ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी आपकी है, आप बताइए आपको खबर नहीं हुई? आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, आप कौन से गेट पे खड़े होते हैं बताइए? गेट कैसे है इसका क्या मतलब है सर आप ये बताओ? कोई भी लगा के भाई कैसे लगा के चला जाएगा ये बताए आप? रोड को कंट्रोल करते हैं